हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका बड़ा दोस्त DEEP के मतलब की डीके। राम राम जी, मैं डीके की बहू किरण। तो भाई वेलकम है थारा हमारे नए नई व्लॉग में। व्लॉग आज का जो व्लॉग है वो मैं आगे जाकर बता दूंगा। और ये अगर ये ठीक है इससे बोल रहा है मगर तो भी घर बैठ कर बना लिए मेरे को छोड़ के जा रहे एक दो शॉर्ट व्लॉग का। तो बाकी देखते हैं क्या कुछ बनावा। बीच में मैं डाल लूंगा मतलब व्लॉग के बीच में ही। तो फिलहाल मैं जान लग रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। बाकी चलो फिर चलते हैं। तो भाई मैं बस स्टैंड वास्ता चल दिया हूँ, और क्योंकि मैं बस में जाऊँगा, बाकी जो भी आग थरते बता दूंगा मैं। तो फिलहाल तो घर ते चल दिया हूँ बस स्टैंड वास्ता। तो भाई मैं पहुँच गया था बस स्टैंड पर, लेकिन फिलहाल तक यहाँ कोई भी बस नहीं है जहाँ हमने जाना वहाँ की। तो मैंने वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर बस का। तो फिलहाल तो मैं बस स्टैंड पे ही खड़ा हूँ। तो भाई यमुनानगर बस स्टैंड पे मैं निकल गया था, जल्दी में थी बस इस कर का। तो भी यार रास्ते में रुकी है बस एक बार दूसरे बस स्टैंड पर। तो यहाँ पर फिर यह सवारी लेकर फिर चला गया थोड़ी देर में। फिलहाल तो यही रुक रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। ये हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं। ये तीन मेरी न्यू सहेली हैं, दो मेरी नंदे ते तीन ये। कितने हो गए? पांच है दीदी। भाई जहाँ मैंने आना था ना मैं वहाँ पहुँच तो गया हूँ, मतलब मंजिल के बिल्कुल पास हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वो फ़ोन नहीं उठा रहा अब तक। तीन फ़ोन कर लिया उसका। तो भाई फिर मैंने हार का जीत पकड़ा था फ़ोन, तो जीत ने फिर उसके भाई पकड़ होगा। चलो मैं थरते ज़्यादा तो उकसाऊंगा नहीं हूँ, मैं बता ही दूँ। एक्चुअली मैं आया था कैथड़, और मैं कैथड़ आया हूँ भाई वीके ते मिलन। हमारे एक मित्र है, हम जानते भी होंगे वीके माजरा। तो वीके ते मिलन आया हूँ भाई, और किस वास्ते मिलन आया हूँ यो मैं थरते अग्गे बता दूंगा। फिलहाल तो हम थोड़ी वेट करो, बताता हूँ मैं कि वास्ते आया हूँ मिलन। और हम सारे इकट्ठे होंगे यहाँ से। तो भाई अपना वीके तो आ नहीं सकया, वो शायद किसी काम में उलझ रहा। तो उसने कोई भाई भेजा लेने वास्ता, वो मेरी वेट कर रहा है। मैं वहाँ जाने लग रहा हूँ उस भाई के पास। हाँ जी, तो भाई मैं पहुँच गया था वीके के घर। अब मैं और वीके भाई जाने लग रहे हैं कुछ काम। फिलहाल तक मैं रिवील नहीं करता मैं क्यों आया हूँ यहाँ। और भाई मैं वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन वीके ने मेरे से रोक लिया कि भाई आज नहीं जाना है। तो जो भी मैटर है मैं तेरे आगे बताऊँगा। फिलहाल तक तो मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता हूँ भाई, ठीक है। बाकी फिलहाल तुम वीके से मिलो। यार मेरा मित्र वीके, वीके कह रहा मेरे से भाई तय बच रहा था वो लोग बनाने थे इतना भी यो कैमरा सा उठाया फिर रहा। मैं यार लोग इतना प्यार देने लग रहे हैं, फिर अपने आप ही हौसला बढ़ जा। फिर कह रहा कोई नहीं भाई चला रहो। फिर तो मैंने भी एक चैनल बनाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सलाह दो मेरे से कमेंट में। कमेंट में बताओ भाई वीके कह रहा मैं भी स्टार्ट करूँ व्लॉगिंग। तो तुम एक बार बताओ कितनी सपोर्ट करोगे। बाकी चलो मिलते हैं फिर आगे। तो भाई मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मतलब मैं वीके की वेट में था। रोटी तो आ गई थी बल्कि गर्म। तो फिर अब हम आए थे काम बाहर, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो भाई ने बनवाए हैं दो जूस के ग्लास। ये पापा पियेंगे जूस, क्योंकि थोड़ी हेल्दी ही चीज़ें खानी चाहिए ना, ताकि थोड़ा शरीर सेट रहा। सही बात है। हाँ तो भाई आप जूस पी रहे हैं गिरी गेल चल रहा है जूस। बर्त है क्या तेरा? जिसकी एक बाजू नहीं होती, बस इतना शौक नहीं है मुझे। एक बाजू है, एक बिना बाजू की है। बनवा लो यार, पा लेना। है मेरे एक बाजू ना, दो बाजू है। अरे नहीं वो वाली ड्रेस वाली ड्रेस मिल जाएगी ना, एक बाजू वो वाली टाइम चलेगी स्मार्ट रहो वो। फिर अभी की बनाएंगे एक ड्रेस मतलब कि कुर्ता पजामा कौन सी फ्रॉक वाली या फिर वो वाली भांग कटी बाजू कटी भांग कटी नहीं वो वाली यार, कुर्ता पजामा बनाएंगे तेरा पठानी ठीक है। एक राइट हैंड की बाजू नहीं होनी चाहिए, एक
एक लेफ्ट टांग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कितना दिन लग जाएंगे? अभी पहले हम अपना सेटअप कर ले, हमारा आधा काम पड़ा है बीच में, क्योंकि तुम लोग रोटी नहीं खाते जल्दी। तकरीबन 6 महीने नहीं यार, थोड़े से दिन। सालक बहुत बहुत जल्दी आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे हम अभी का कुर्ता पजामा। एक टांग कटे एक बांह कटे नहीं नहीं वो वाला नहीं बनाएंगे, अच्छा वाला बनाएंगे ना, जो देख के बंदे ने कहा हाँ बनाया कुछ, समझ रहे हो दोस्त जी। तो भाई मेरी भूख नहीं मिटी थी कि मैं अगर छोले भटूरे खाऊं, क्योंकि जूस में मेरा पेट नहीं भरा, वीके तो अभी बाल कटवा रहा, उसमें टाइम लग रहा। मैं छपूंगा छोले भटूरे, वी के इतना बाल कटा रहा, इतना मैं छोले भटूरे ग्रहण कर लो। तो भाई बहुत टाइम के संघर्ष के बाद वी के बाल और टाटी कट गई भाई, जो भी इसने मसाज वगैरह कराना था उसने करा लिया। मसाज को नहीं, मैंने मसाज करा दे नहीं, मसाज करावा था। इबम जा रहे हैं घर की तरफ, भाई घर जाने से पहला वी के ने ना अपना लैपटॉप ठीक कराने वास्ते दे रखे होगा रस्ते में, तो फिर वहाँ से लैपटॉप लिया इसका। बाकी तुम देखते रहो, मतलब जो चीज़ है ना, मतलब जिस चीज़ खातर मैं आया था, जो सरप्राइज है वो जल्दी ही रिवील करेंगे, बस कुछ ही समय की बात रही है। यो भाई यो बता रहा है वीके की, यो कैथल का मोल है, छोटा सा ही है, मैंने तो ना पता नहीं है, अरे एक ही है, ठीक है भाई। तो भाई घर जाने से पहले आप फिर दोबारा रुक गए, वीके ने लेनी है पेंट, ये देख रहा है पेंट पूरा मशहूर कर देगा तने, पूरे वो लोग मतलब नहीं। तो भाई होया क्या कि बात नहीं बनी है भाई वीके की, तो वीके ने लिए नहीं भाई वहाँ से, कुछ भी नहीं लिया। तो ये फिर हम घर की तरफ ही जान लग रहे हैं कि हफ्ता बीच में फिर इसने कुछ ना कुछ याद आ जा, फिलहाल तो जान लग रहे हैं। बाकी भाई इस बंदे ने पता नहीं फिर क्या याद आएगा, इससे रुक गया रस्ते में समझ ही नहीं आ रहा। तो जी अब वीके ने जूते की शॉपिंग करी है भाई, ठीक है। मैं तो बार बार यूँ क्या लग रहा हूँ कि हम चल दिए, लेकिन रास्ते में इसने कई काम याद आते जा रहे हैं। हाँ चल तो हम बहुत देर से रहे हैं, लेकिन वही है ना कि रास्ते में कुछ ना कुछ याद आ जाता है और फिर रुक जाते हैं हम रास्ते में। हाँ चलते चलते यूँ ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं क्या यही काम है? हाँ यही काम है। तो वही ये बाप हो गया अमीर, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात है कि गाड़ी में तरक्की होगी, हमारी तरक्की होगी थोड़ी देर वास्ते। हाँ हम आगे थे वही घर, लेकिन फिर कोई काम याद आ गया तो वो काम करने जावा है। चला भाई रुक क्यों गया? क्योंकि एक काम और याद आ गया। अच्छा एक काम और याद आ गया। हाँ। जा फिर करे या तन्ने करका मन्ने करकाना पड़ा है बस, ठीक है भाई तेरा भी। तो भाई आप जिस काम आए थे वो अपना काम हो लिया है, लेकिन फिर भी यूँ नहीं पता कि आप तभी के ने बेचारे ने एक आधा काम और पड़ जाए रस्ते में। नहीं मैं अपना कोई काम नहीं जाएगा, दोनों भाई घर जावांगे खाना खावांगे और बाकी का प्रोसीजर बाद में बतावांगे। हाँ ये भी बताना नहीं है। सो गाइज आई एम सेइंग दैट, मैं भी गाइज बड़ी बात तो भाई सो गाइज नहीं सो गाइज आई एम सेइंग दैट आई विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द नेक्स्ट मूव because this is surprise for you all and emotionally we can say that it's not a big surprise but aage ke liye bandh nahi rahi hai samajh jo tum theek hai matlab shabd mein kuch nahi bhavana na samjho ha bhavana samjho bas tab kitni badi har bhavana naam ka apna kisi ke sath koi chakkar nahi na bhavana ne hum jante hain theek hai kaun bhavana hai sahi baat hai ab bhavana matlab kya hota hai bhavana in english feeling फीलिंग कह सकते हैं वहाँ प्रायवाची शब्द हो सकता है इमोशंस या तो फिर दोस्तों इवन जा रहे घर रोटी रोटी खावा फिर आगे का थरते बतावा क्या सिस्टम है क्या नहीं है ठीक है। हम एक काम करो ये लाल बटन है ना जो नीचे उसकी प्रेस कर दो वो चिरा कैरी भी नाती एक जा कैरी भी नाती एक तो देख प्रमोशन करने लायक रहे हो नहीं 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 तेरा चैनल तेरी प्रमोशन करने दोस्तों ये सही बात कह रहा है आपने काम करना चाहिए ठीक है शर्म आनी चाहिए आप सब ने कि आप क्यों नहीं करते हो काम
जो नहीं है ना उनके वास्ता थी बात, जिन्होंने कर रखा बेचारों ने तो कर ही रखा, वे तो जुड़ी रहे हमारी गल्ला नहीं, उन्हें नहीं शर्म आंदी भाई जो से देखा है वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यू शुड डू इट, यू शुड नहीं मस्ट है ना जो भाई ने इंग्लिश नहीं आंदी को किस तरह सब्सक्राइब हो रहा, यू शुड डू इट का उसकी नहीं मीनिंग पता होगा। आप सबको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है जी। तो भाई आप ना पहले उस दुकान पे चले गए थे क्योंकि कोई भाई लेकर आने लग रहा था मतलब इसकी जो मतलब पेंट थी, लेकिन उस भाई का फोन आया कि मतलब उसने मिली नहीं है जिस जगह हो गया था, तो फिर हम घूम फिर कर दोबारा वहीं आ लिए है भाई के। फिर यहाँ तो लेंगे पेंट। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा चल फिर लिखड़ बार कर ले अपना काम, यो काम जरूरी है। तो भाई आप यहाँ वो पेंट लेंगे और फिर जावेंगे घर में। तो भाई अपना यहाँ का भी काम निपट गया, निमट गया ना भाई? हाँ निमट गया भाई। और तो नहीं कुछ रहा? नो नहीं, देख ले भाई और तो कुछ नहीं, और तो रह गया बस फिर ना भाई, ये मतलब काम रह गया क्या ये सब्सक्राइब करवाना था भाई हमें ये चैनल तेरा। अच्छा अच्छा मेरी तो सुन दे, तेरी सुन लेंगे, सुन लेंगे, मैं पहली बार आया हूं ना। अच्छा 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 थोड़ी इज्जत मान रखेंगे। हां यह बात तो है, बाकी कई बंदे जो कह रहे डी कर वी के भाई है क्या भाई, जो है अब बिछड़े भाई है, अब खास भाई है भाई। तो भाई आप पहुंच गए अब घर, अब देखते हैं कोई काम धंधा जो कोई और रह गया हो, कुछ कुछ मतलब रह गया हो काम को वो देखा क्यों भाई, वैसे तो कुछ रह नहीं है ना। तो भाई घर आ गए थे और घर आने के बाद मेरे ते मिले हैं भाई दो बंदे, और मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर आए हैं, एक तो योर है भाई सामने मिस्टर जीत नैन, ये देखो इधर भी कर रहा मुंह ने जान बूझ का, अरे क्या भाई एस डी ओ साहिब आगे घर बड़ा कुछ अच्छा नमस्ते आसू मोर क्या कुछ अच्छा नमस्ते नमस्ते करे जी फिर तो यू तीन सोच रहा मैं भाई साहब, मतलब इस शॉर्ट के लिए मैं आपको नमस्ते करूंगा, आवारी कर दे भाई बिल्कुल भी नमस्ते, तने देखना हो तो देख नहीं देखना ना देख भाई, मेरा भतीजा ब्याह कराएगा संस्कार भूल गया। अच्छा अच्छा बिना एक बात तो है भाई आसू लोग धक्के दे मतलब रिश्ते काट दे रहा मांगा मेरा भाई को नहीं ना बिल्कुल भी नहीं भाई, मुकर गया नहीं गया था उस दिन ब्याह में, कौन मुकर गया था मेरा बाप मुकर गया, पांच मेले इकट्ठे पढ़े हैं धर्मशाला बोला थी नहीं कहते मैं काफी चीजा इस साइड में रहकर पता लगी है थी भी कुछ हुआ चल बुढ़िया काट के क्या बात। तरक्की कराया हमारा भाई पता लगी गए थमने, तो वही थम देख सको के जो आप अब तक छुपा रहे थे वो रियलिटी क्या थी कि अपना वीक है भाई जान लग रहा है भाई बाहर अपना खास मित्र, एक तो पहला बिना बताए चला गया लेकिन आप दूसरा नहीं जान देख सकते, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो मतलब बदल गया तू बदली सो बार ऐसी एक बार नहीं बदले रेटू नहीं हुआ मैं कल लाऊं मेरे लोग कोई भेजो अर्थ सुन चल रहा है ले बोले बोल बोले बोले सबके दुआ दे अपना जो मित्र है खास मित्र वीके वो जान लग रहा है भाई बाहर
तो आप उसी के उपलक्ष्य करो या जो मर्जी उसी के उपलक्ष्य में इकट्ठे हो रहे थे सारे के सारे। तो ये पापा उसने भाई छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, लगभग 20 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि बाकी भाई दूर तक चला कर रहे थे, तो मैं तो लगभग पौना घंटा पहले चलाने लग गया हूँ। वो बेचारे थक गए हैं सारे, तो फिलहाल मैं चलाने लग रहा हूँ और अपने वीके थे आप छोड़ने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी आगे, फिर दिखाते हैं अपने आगे की फुटेज। ठीक है, जुड़े रहो। लगभग 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से एयरपोर्ट, जहाँ से भाई छोड़ना है, तो बस पहुँचने वाले हैं। बस 5 किलोमीटर रह गए, पहुँच गए थे टर्मिनल पर, बट अपना फिलहाल तक ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि कौन से टर्मिनल पर फ्लाइट जाएगी इसकी, और ना ही इसका टिकट वाला बंदा बता रहा है कि कौन से टर्मिनल का है, और ना ही टिकट वाली चीज़ लिख रखी है। यू कैन सी फिलहाल तक ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि भाई कौन से टर्मिनल पर है, लेकिन टर्मिनल आसपास ही हैं सारे। तो अपने गाड़ी पार्क कर दी है, फिलहाल आप जान लग रहे हैं कि देखा कहाँ से इसकी फ्लाइट है। फिलहाल आप मजे लेने लग रहे हैं, कंटेंट वगैरह भी ध्यान लग रहे हैं। मेरे पीछे भी भाई कंटेंट देखो, ये आप जिरण जिरण भाई तो भाई अपने ना जो भाई लोग थे जो बैग वगैरह ले रहे थे गए, उन्हें भाई भी पीछा रह गया, लेकिन अब पहुंच गए हैं। तो वीके भाई यहाँ ते जावगा डिपार्चर बोले क्रश, यहाँ ते हुआ गए शायद डिपार्चर ही कहने होंगे, तुमने पता होगा भाई तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो जितने भी देखने लग रहे हैं। तो पापा जान लग रहे हैं अगे ने भाई आ गए हैं बैग वगैरह लेकर, तो भी के यहाँ से जाएगा अंदर। तो ये भाई आप सारे इकट्ठे हो लिए हैं और भी के ने छोड़ने जा रहे हैं भाई जहाँ तक इसकी एंट्री है। अब भाई सिम बदले जा रही है क्योंकि हमने पता ही है अगर बाहर अपने इंडिया का नेटवर्क काम कर रही है तो सरका सिम चेंज कर रहे हैं। तो भाई ये चल रहा है अपना फोटो सेशन, देने लगे विदाई अपने भाई के भी कहते मिलेंगे फिर एक दो साल बाद भाई ने। ठीक है वीके, फिर कॉन्फिडेंस वो दिखा दे, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखा। तो भाई अपने दे दी विदाई अपने भाई भी कहते पहुंच गया अपनी गड्डी के पास। तो इब देखते हैं भाई ये जितते और मेरे कहाँ छोड़ा, क्योंकि मेरे तो घर जाना भाई, इन्होंने काम है तो ये रुकेंगे दिल्ली, लेकिन मेरे ते जाना है तो ये मेरे ते छोड़ देंगे रास्ते में, फिर मैं बस स्टैंड ते जाऊँगा सीधा यमुनानगर अपने घर, मेरे ते आज जाना बहुत जरूरी। तो भाई साहब मेरे ते यहीं छोड़ने लग रहे हैं क्योंकि इन ते जाना है भाई कोई काम है, तो मैं जान लग रहा हूँ क्योंकि मैंने घर जाना है जैसा मैंने पीछे बताया। तो भाई टाटा बाय बाय, हम बच्चों से आदमी मिलाते, ठीक है चल, ठीक है भाई आसू, ओके भाई, ठीक है मित्र, ठीक है दोस्त, भाई देख के खोलियो, ओके भाई। आदमी जितनी जल्दी घर आना उतना लेट हुआ, मैंने जल्दी के चक्कर में मेरे ते जीत और मैं छोड़ दिया था इस रास्ते में, क्योंकि उन्होंने आगे जाना था काम था जैसा मैंने पीछा बताया। तो फिर होया क्या कि मैंने कर लिया कैब, और कैब वहाँ से दिखावा थी 12 किलोमीटर, लेकिन वो बेचारा बंदा भी अनजान था कैब वाला, वो घूम फिर का फिर उसी रास्ते पे गया, फिर उसने ये बता रहा मैं मतलब कम से कम घंटा लग गया अपने कैब में, जबकि वहाँ से मुश्किल था 10 घंटा मैंने दिखावा था। तो भाई पहुँचो मैं दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट पर, भी यहाँ लूँगा मैं अपनी बस। Oh,
तो भाई इतने सारे संघर्ष के बाद मैंने भाई बस मिल गई है और अब मैं चल दिया हूँ भाई यमुनानगर वास्ता। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जो था अगर अपना व्लॉग हमने देख ही लिया, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। राम राम जी।